वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के शेयर के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छे शेयर हैं। ये जो कंपनी है चौथे नंबर पे आती है स्टील और आयरन सेक्टर में, काफ़ी अच्छी कंपनी है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी तो इस कंपनी के जो शेयर थे 40 रुपये के आसपास थे और इसका सबसे कम जो प्राइस रहा है 4 रुपये रहा है। हाँ जी दोस्तों, 4 रुपये रहा है जो इसके आप देख सकते हैं। आज के टाइम में इस शेयर का जो टारगेट है 70 रुपये है। इसने जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया है अपना वो 300 से लेकर 320 तक ये परफॉर्मेंस अच्छा इसने किया है। और जो इसने 100 का टारगेट अचीव किया है 5 बार अचीव किया है और काफ़ी अच्छा है। इस शेयर के जो दाम है मिनिमम 100 से 150 के आसपास रहते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ही बार इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 320 रुपये। अब बात करते हैं 52 वीक के परफॉर्मेंस के बारे में। 52 वीक पहले इसका जो परफॉर्मेंस देखिए आपके सामने 20 रुपये था, आज इसका जो शेयर का दाम है 70 रुपये, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसने। तो फिलहाल इंट्राडे में टच किया 72 के आसपास टच किया है। जो शॉर्ट टर्म ड्राइवर है इसलिए पॉजिटिव, मिडली पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कम रहता है। इसने जो अचीवमेंट है 100 तक पहुंचने की वो कभी कभी होती है और ना के बराबर होती 300 तक पहुंचने की, क्योंकि इसने 300 तक एक ही बार क्रॉस किया है। लेकिन आप ले सकते हैं। अब स्टिक की बात करते हैं। स्टिक में देखिए ये बुरिश की तरफ जा रहा है इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रैक शूज के बारे में। इसके वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। 125 कंपनियों में से जो रैंक है 4 है, काफ़ी एवरेज क्वालिटी है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इंटरेस्ट रेट भी फ्लैट चल रहा है। यदि कंपनी की नेट सेल देखे जाए तो 16,925 करोड़ है। इतने ज़्यादा होने के बाद भी इस कंपनी के शेयर जो है कम रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली जो फालन होता है वो 300 करोड़ के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक टीएनए। स्टॉक में इसका योगदान 36 के आसपास है, 42 सेंसेक्स और जो सेक्टर में 42 और सेंसेक्स में 17%। इंडस्ट्री आयरन और स्टील से संबंधित उत्पाद बनाती, काफ़ी अच्छी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 28,687। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस शेयर को जो लेना है वो डिलीवरी के अंदर लेना ठीक रहता है। जब इस शेयर का टारगेट 150 से 200 के बीच पहुँचता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे। पी रेशियो की बात करते हैं 14.81% है, आप इसे चूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रेशियो है यदि ये रेशियो 21 या 23 के आसपास पहुँचता है तो इस शेयर के दाम 150 से 200 के ऊपर क्रॉस हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स के बारे में। प्रोमोटर सबसे ज़्यादा 75% है। म्यूचुअल फंड में योगदान जो है 2.10 और 8% है नॉन इंस्टीट्यूट में योगदान। ये था सेल, जो शेयर है NSE और BSE का फुल एनालिसिस। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।